जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी नाम निष्ठा के विषय में कहते हैं, भगवान इस धरा धाम पर चार रूप से नित्य विराजते हैं। ये चारों ही सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इनमें जीव को सबसे अधिक सुलभ भगवान का नाम है। यहाँ तक संतों ने कह दिया है कि नाम की महिमा नामी से भी अधिक है। सब जगह मिलावट हो सकती है, सबका रूप बदल सकता है, सब में अनेकता और विविधता आ सकती है, परंतु नाम एक ऐसा दिव्य है, इन सब दोषों से रहित है। लीला रूप और धाम, इनको पाने के लिए योग्यता चाहिए, लेकिन नाम के आश्रय के लिए केवल हृदय की इच्छा होनी चाहिए। न कहीं जाना है, न आना है, न पढ़ना है, न लिखना है, न जाति है, न पाती है। चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, दीक्षा हो चाहे बिना दीक्षा हो, पशु हो या पक्षी हो, जीव मात्र का कल्याण हरि नाम से हो जाएगा। आज संसार में सब जगह मिलावट है, घी में, तेल में, हवा में, पानी में, मिट्टी में, यहाँ तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पेड़ पौधे, ये भी सांकर दोष से नहीं बच सके। कथाओं में मिलावट, वेद मंत्रों में मिलावट, यज्ञ की सामग्रियों में सब जगह मिलावट है, परंतु एकमात्र राम नाम में कोई माई का लाल मिलावट नहीं कर सकता। विशुद्ध परमात्मा विशुद्ध साधन से मिलता है और विशुद्ध साधन इस समय केवल और केवल श्री राम नाम है। अनंत असीम परमात्मा सीमित और अंत वाले साधन से नहीं मिलेगा। और अनंत वधु का नाम आश्रय लेना ही है। हरि नाम विद्या, वधु का पति है, अर्थात कोई कितना ही बड़ा विद्वान हो, अगर वह नाम आश्रयी न हो तो उसकी विद्या विधवा के समान है। श्री गंगा जी के तट पर राम घाट नाम का एक तीर्थ है। वहाँ पास में एक महेरा गांव में श्री उड़िया बाबा जी महाराज की कुटिया है। बड़ा अच्छा बगीचा है। आज भी वहाँ बैठ करके भजन करने का मन होता है। वहाँ एक वृंदावन के संत भजन साधन के लिए कुछ दिन विराजे और वहीं पर एक भगत जी का नित्य प्रातःकाल घंटा बजा करके कीर्तन का नियम था। यह नियम श्री उड़िया बाबा जी के समय से ही चला आ रहा था। वह संत प्रातःकाल योगिक क्रिया से ध्यान लगाते और उसी समय में भगत जी को कीर्तन करना होता था। संत जी घंटा बजाकर कीर्तन करने की आवाज़ के कारण नाराज होकर वृंदावन आ गए। आप जब गोरे दाऊ जी पधारे, संत जी से पूछा, महाराज जी महेरा से कब आए? उन्होंने कहा, महाराज वहाँ से तो मैं जल्दी ही आ गया। आपने पूछा, क्यों वहाँ मन नहीं लगा क्या? संत ने कहा, वहाँ सवेरे सवेरे हल्ला मचाते हैं, घंटा बजाकर कीर्तन करते हैं, हमारे ध्यान में विक्षेप होता है। इतना सुनना था कि आप उन संत जी पर बुरी तरह बिगड़ गए और बोले, हरिनाम संकीर्तन से तुम्हारे साधन में विघ्न होता है, क्या हरिनाम से बड़ा कोई साधन और साध्य भी है क्या? हरिनाम को छोड़कर कोई भी साधन से किसी का भी कल्याण नहीं होगा। आपने कई रामायण भागवत के प्रमाण दिए, सुनी गुण गान समाधि बिसारही। सनकादिक सदा नाम कीर्तन करते हैं, तुम सनकादिक से ज़्यादा बड़े योगी हो गए क्या? भागवत का प्रमाण है, संसार भर के संपूर्ण योगियों ने हे राजा परीक्षित हरिनाम संकीर्तन को ही अभय पद प्राप्ति का सबसे मुख्य साधन बताया है। इकाई में हरिनाम हो तो सारे साधनों का 10 गुना फल मिलेगा और हरिनाम से रहित सब साधन शून्य होंगे। इसमें दोहा आता है,
नाम राम को अंक है, नाम राम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे दस गुण। आपने कहा अगर आप इतने बड़े सिद्ध हो गए कि राम नाम कीर्तन से आपके साधन में विघ्न होता है तो अब कभी भी वहाँ मत जाना और जहाँ मन माने वहीं पर रहना। जय श्री राधे।